छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता साक्षरता की थीम पर मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले, राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर K.L. वर्मा के अलावा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के स्टेट आइकॉन सुप्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर और मशहूर शेफ विजय शर्मा सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में युवा मतदाता मौजूद थे। इस मौके पर यहां लोगों को जागरूक करने अनेक रोचक खेलों और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT का प्रदर्शन कर लोगों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। लघु फिल्मों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT और सेवा मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। समारोह में लोकसभा निर्वाचन 2019 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार दिए गए। हाल ही में मतदाता बने युवाओं को एपिक कार्ड वितरित किए गए। सेवा मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने वाले CRPF जवानों को सम्मानित किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के स्टेट आइकॉन सुप्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर और मशहूर शेफ विजय शर्मा का भी सम्मान किया गया। समारोह में मौजूद सभी लोगों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने और किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने कहा कि आज का दिन आम आदमी का दिन है। आज आम आदमी ही यहाँ मतदाता भी है। निर्वाचन में हर नागरिक को अपनी सहभागिता जरूर देनी चाहिए। लोकतंत्र में एक एक मत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिक संख्या में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और भारत निर्वाचन आयोग की स्वीप गतिविधियों के कारण चुनाव दर चुनाव मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पंजीयन और मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने कई नई पहल की गई है। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2019 में हुए 71% मतदान को आगामी निर्वाचनों में बढ़ाकर 80% तक ले जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।